राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम लोगों के लिए आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। आखिरकार पेट्रोल ने शतक का आंकड़ा पार कर ही लिया। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 1.90 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 100.14 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इन 10 दिनों में डीजल के दाम 2.19 रुपए बढ़कर 92.75 रुपए पर पहुंच गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन लगातार महंगा होता जा रहा है और बढ़ती महंगाई से आमजन को दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित कर रखा है। इस लॉकडाउन के बीच पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरें व्यापारियों और आमजन की कमर तोड़ रखी है। लॉकडाउन में जहां सभी तरह के व्यापार लगभग ठप हो गए हैं, वहीं पेट्रोल और डीजल की दरों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के साथ महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। बाड़मेर में गुरुवार को पेट्रोल की दर बढ़कर 100.14 रुपए हो गई है, वहीं डीजल के दाम बढ़कर 92.75 रुपए हो गए हैं। 3 मई से अब तक इन 10 दिनों में पेट्रोल के दामों में 1.90 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं डीजल के दामों में भी 10 दिनों में 2.19 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 3 मई को पेट्रोल के दाम 98.24 रुपए और डीजल के दाम 90.56 रुपए थे। पेट्रोल 1.90 रुपए बढ़कर 100.14 रुपए और डीजल 2.19 रुपए बढ़कर 92.75 रुपए पर पहुंच गया है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से लॉकडाउन में आम लोगों पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। बाड़मेर के एक पेट्रोल उपभोक्ता ने बताया कि दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम जन की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता नजर आ रहा है। तो ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसलिए क्या है कि आजीविका का कोई लोगों के पास साधन है नहीं और कमाने के लिए उनके पास साधन कोई है नहीं और उनके लिए तो रोजी रोटी के लिए संकट पैदा हो गया। तो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, इससे क्या है कि महंगाई बढ़ गई है। अब इनका हर क्षेत्र में अनाज महंगा हो गया है, किराना महंगा हो गया है, सारे कुछ महंगा हो गया, इसलिए क्या है कि पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी होने से क्या लोग गरीब लोगों को और जो आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराने वालों को बहुत महंगाई और बहुत महंगाई का भार झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन से जहां व्यापार बंद पड़े हैं और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर राहत देनी चाहिए। पेट्रोल संचालकों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में लगातार उछाल के कारण पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 10 दिनों से पेट्रोल के अंदर लगभग 1.90 रुपए बढ़ोतरी हुई है, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच की बात कर रहा हूँ, और डीजल के अंदर भी 2.19 रुपए बढ़े हैं। इस कारण से हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी फर्क पड़ा होगा, क्योंकि भाव बढ़ते हुए महंगाई को बढ़ते हुए देखता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी जैसे बढ़ रहा है। तो सर आज क्या भाव है? आज पेट्रोल लगभग 100 रुपए के ऊपर हो गया है, आज की रेट 100.14 रुपए पेट्रोल है और डीजल है 94.76 रुपए। पिछले 10 दिनों में निरंतर पेट्रोल डीजल के दरों में 20 से 30 पैसे की निरंतर बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को पेट्रोल का दाम 100.14 रुपए और डीजल का दाम 92.75 रुपए पर पहुंच गया है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित कर रखा है, जिससे मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम भी आमजन के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बढ़ती पेट्रोल डीजल की दरों से महंगाई में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे आम जन की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। और लॉकडाउन के बीच पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरें व्यापारियों और आम जन की कमर तोड़ के रख चुके हैं।